जैसे कि आप सबको ज्ञात है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से प्रस्थान से पहले महाराज शुद्धोदन के आग्रह से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। शाक्य नरेश महाराज शुद्धोदन एवं शाक्य मुनि बुद्ध पधार रहे हैं। शाक्य मुनि बुद्ध की जय। 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 बुद्ध, सभी शाक्य राजा आपका स्वागत करते हैं। राजनीतिक जीवन में अर्थात प्रजा का शासन करने में आपका मार्ग हमें कैसे जागरूक कर सकता है? शासन ना करके। कृपया विस्तार से समझाएं। पहला भाव जो आपको आपके अंतर से खोना है वो है आपका अपना शासक भाव, और जो भाव आपको अपने अंतर में जगाना है वो है मैत्री पिता भ्राता का भाव। कर्म के चक्र से यदि आप राजा बने हैं तो केवल इसीलिए कि आप अपनी प्रजा की आंखों के अश्रु पहुंच सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें। यही कृत्य आप अपने घरों में हर दिन करते हैं पिता बनकर, तो फिर आप सब ये भाव शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप स्वयं को प्रजा से भिन्न समझते हैं, इसीलिए आप सब पूछते हैं कि जागृत शासक कैसे बने। ये प्रश्न आप तब नहीं पूछते जब आप पिता बने थे, कि हम पिता कैसे बने, क्योंकि वहां अपनत्व का भाव है। तो इसी भाव को और विस्तृत करें। सभी अपने हैं, सभी के दुख अपने हैं, सबको न्याय और आनंद देने का जो ये मार्ग आप सबको प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ना गवाएं। शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से तो जन जन पीड़ित है, पर उनको आप सामाजिक न्याय देकर उनके जीवन को सुखमय तो बना सकते हैं। मैं इस क्षण को कदापि नहीं भूल सकता, आपने मुझे जगाया है। शाक्य मुनि बुद्ध की जय। 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 आज आपने हमारे बंद हृदय का द्वार खोल दिया। आपका सूर्य जहां जहां चमकेगा वहां हर्ष और उन्नति परछाई बनकर आपके पीछे आएगी। आप स्वयं शाक्य के महाराज बनकर हमारा नेतृत्व करें तो जन जन का हित होगा। महात्वन, आप हमें धन्य करें। शाक्य मुनि बुद्ध, आप महाराज बने तो शाक्य गण की वृद्धि हो। आप हमारा नेतृत्व करें, आप हमारे राजा बने। हाँ हाँ हाँ, हमारे राजा बने। हाँ हाँ, हमारे राजा बने। हाँ हाँ, आप हमारे राजा बने। आप इस सिंहासन के योग्य हैं। मैं इसी क्षण आपको कपिलवस्तु का महाराज घोषित करता हूं।
शाक्य मुनि बुद्ध की जय। शाक्य मुनि बुद्ध की जय। शाक्य मुनि बुद्ध की जय। आभार आप सबका। आप सभी मुझे शाक्य का महाराजा बनाना चाहते हैं। धर्मयुक्त राजनीति का पालन करते हुए प्रजा का भला करना चाहते हैं। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि मैं इसी प्रकार समस्त मानव जाति का कल्याण करूं? यदि मैं शाक्य महाराजा बना तो केवल शाक्य गणतंत्र तक ही सीमित रह जाऊंगा, परंतु अब सारी मानव जाति मेरी है। मैं समस्त मानव जाति का हूं। मैं हर राजा, हर सम्राट से मिलूंगा, उन्हें धर्म के मार्ग का पालन करते हुए राजनीति करने को कहूंगा। अब मुझे आज्ञा दें पिताश्री। शाक्य मुनि बुद्ध की जय। 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 बुद्ध की विदाई आंसुओं से नहीं होगी। के साथ ना हूं, और मेरा हृदय सदैव आपके साथ रहेगा। शाक्य मुनि बुद्ध की जय। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बहुत अच्छे आनंद, बहुत अच्छे। तू है मेरा शिष्य बनने योग्य। मैं तुझे तलवारबाजी का श्रेष्ठ योद्धा बनाऊंगा। ये लो मेरी ये तलवार, आज से तुम्हारी हुई। युद्ध के क्षेत्र में ये विचार करके बैठोगे तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। महानाम, सोच रहे हैं अपना शीशी दे दे। बहुत दिनों से सोच रहे, पर अब निश्चय कर लिया। राहुल और नंद की तरह हम दोनों भी भिक्षक बनेंगे। ओम भगवती भिक्षाम देही। हम भूखे हैं, हमें भीख चाहिए। अरे मत आओ उस पाखंडी बुद्ध की बातों में, विष भरे तीर चला रहा है वो। अमृत है,
आप नहीं समझेंगे जेष, मैं नहीं समझता। अरे वो पाखंडी राजाओं को भी भिखारी बना रहा है, दुख दूर करने की बात करता है लेकिन केवल दुख ही दे रहा है, हर उस वस्तु से दूर कर रहा है जो आनंद और विलास दे। अरे वो तो पागल है लेकिन तुम तो समझदार हो। नहीं थे पर अब समझदारी आ रही। माता पिता की आज्ञा लेकर हम बुद्ध की शरण में जाएंगे। आनंद तुम चलोगे हमारे साथ? नहीं, आनंद कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ राजगृह जाएगा, वहां गणिकाओं से मिलेगा, भोग और विलास का आनंद भोगेगा। अरे मैं फिर कहता हूं तुम भी चलो मेरे साथ। स्वयं अजात शत्रु ने मुझे अपने राज्याभिषेक में आमंत्रित किया है। परमाओ तो महाराज बिंबिसार। हे! किंतु अब तख्ता पलट चुका है, बिंबिसार कारागृह में अंतिम सांस ले रहा है। अरे मैं फिर कहता हूं चलो मेरे साथ राजगृह में, जहां पिता की हत्या पुत्र करे वहां मैं नहीं जाऊंगा, मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। और मैं भी आपके साथ चलूंगा। अनुज तुम? मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अरे समझने की कोशिश करो, ये यदि कुएं में गिरते हैं तो नहीं गिरने दो, लेकिन तुम मेरे साथ राजगृह चलो। ज्येष्ठ आप नहीं समझ रहे, पर जिस दिन से बुद्ध के चरण कपिल वस्तु में पड़े हैं मेरा रोम रोम उनकी ओर बह रहा है। मैं तो नंद के साथ उसी क्षण संग में जाना चाह रहा था, पर संकोच में माता पिता से कह ना सका। पर अब मैं अपने मन में सब कुछ स्पष्ट कर चुका हूं, मैं बुद्ध की शरण में ही जाऊंगा। पछताओगे, बहुत पछताओगे, और फिर क्षण को याद करके कसोगे अपने आप को। आप तीनों ने हमें यहां क्यों बुलाया? महाराज हम तीनों ने मिलकर कुछ बनाया है जो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने ये प्रतिमा बनाई है? जी, और हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रयास का उद्घाटन महाराज आप करें। अवश्य। अप्रति, अप्रतिम भेंट है आपकी, बोलो इसके प्रतिफल में आप हमसे क्या भेंट चाहते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा? कैसी आज्ञा? हम तीनों ने अपना मार्ग चुन लिया है, हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, भिक्षुक बन गए। मेरे पुत्र भी भिक्षु बनना चाहते हैं? तीन पुत्र जने वो भी हमें छोड़ के चले जाएंगे? माँ? नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूं और इस पथ पर जाने से पहले तुम्हें मेरी मृत्यु शैया पर होकर गुजरना होगा। माँ कृपया करके ऐसा प्रण ना ले। ये विचार आप लोगों के मन में कैसे आए? जब से बुद्ध का मनोरम रूप आंखों में बसा हम तीनों अलग इसी सोच में थे, पर अब हमारा मार्ग स्पष्ट हो गया है। पर तुम तीनों कैसे जा सकते हो? जब राजकाज का भार उठाने की बारी आई तो तुम सन्यास की ओर जा रहे हो। पिताश्री, राजकाज का भार संभालने के लिए तो जेष देवदत्त भी है ना? हमारे बारे में नहीं सोचा? वृद्धावस्था में किसके सहारे जिएंगे हम? देवी, इन तीनों को मत रोको। एक समय मैं भी काल के आड़े खड़ा हुआ और अपनी मनमानी करने की सोची, परंतु काल ने मेरी सारी मनसों पर पानी फेर दिया। हुआ वही जो निमित्त था,
सिद्धार्थ तो बिना आज्ञा लिए अपने पथ पर चला गया। ये तीनों कम से कम तुम्हारी आज्ञा तो मांगने आए हैं। जब हम माता पिता बनते हैं तो इस भ्रम में होते हैं कि हम अपने बच्चों के भाग्य विधाता हैं, परंतु जिसके प्रारब्ध में जो लिखा होता है वही होता है। मेरे पुत्रों के प्रारब्ध में भिक्षु बनना, यदि इन्हें भिक्षु जीवन रास ना आए तो वो पुनः लौट भी सकते हैं। यदि इस समय हम इनके मार्ग की बाधा बने तो इनके साथ साथ हमें भी हानि होगी। मां, माता प्रजापति ने जिस धैर्य से बुद्ध को विदा किया था उसी भावना से हमें मुक्त कीजिए। अगर हमें इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो हमारा यह जीवन व्यर्थ जाएगा। मां, आपकी आंचल की छाया छोड़ हम ऐसे वट वृक्ष की छाया में जा रहे हैं जो युगों युगों तक भूले भटके और प्यासे लोगों को विश्राम और शांति देगा। अब बुद्ध के चरणों में ही हमारा निर्वाण है। जाओ पुत्र, तुम्हें वो मिले जो हमें इस जीवन में नहीं मिला। जाओ। हरि ओम अग्नेन्द्रोदं पुरोदधे हव्यवाहमुपप्रवे देवाम् आचादयाधिया ओम चत्वारि सिंहत्रयो अस्य पाद द्वेषिरे सप्तास्ताशो अस्य तिलापद्दो ये सुंदर दृश्य देखने के लिए स्वयं भगवान बुद्ध नहीं आए। अरे कम से कम अपने किसी प्रतिनिधि को ही भेजते। आजाद शत्रु को हमने भगवान बुद्ध का शत्रु बना दिया। महाराज अजात शत्रु की महाराज, प्रथा के अनुसार अब आपको राजमाता का आशीर्वाद लेना चाहिए। लज्जा नहीं आती तुझे अपने ही पिता को कारागृह में डालकर अपने ही राज्याभिषेक के लिए मुझे बुलाने आया है तू? यदि वो आपके पति हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूँ। मैं तेरी माँ नहीं। और राज, इसी क्षण से तू भी मेरा पुत्र नहीं। चला जा मेरे सामने से, इससे पहले कि मेरे मुंह से तेरे लिए कोई श्राप निकले। महाराज, राजमाता के पास चले? नहीं, मुझे किसी के भी आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं, राजमाता की भी नहीं।
क्यों ऐसे अधर्म के सम्मुख ढाल बनकर खड़े हैं? क्यों उस कायर को जीने के इतने अवसर प्रदान किए? सर्वनाश हो उसका। बस मत श्राप दो उसे, मत बनो उसके कुकर्म के भागीदार। अपने मन का क्लेश और ना बढ़ाओ। जो जिसका भोग है उसे भोगना है। आपको इस तरह भूखा मारने का प्रयास और मैं इस तरह असहाय होकर ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही हूं, इसमें कुछ खाने के लिए इससे पहले कि कोई देख ले आप इसे ग्रहण कर लीजिए। रहने दो, जब प्राण जाने ही। आपको मेरी सौगंध, जब तक मैं जीवित हूं मैं आपको इस तरह भूखा मरने नहीं दे सकती। अगर आपने ये भोजन ग्रहण नहीं किया ना तो मैं भी यही अपने प्राण त्याग दूंगी। वैदेही, तुम जानती हो यदि अजात शत्रु को पता चला कि तुम छुपकर मुझे भोजन देने आई हो तो क्या करेगा? मुझे भी इसी कालकोठरी में मरने के लिए छोड़ देगा? क्यों संकट मोल ले रही हो? मैंने अन्न का त्याग कर दिया है। मैंने अभी आपको अपने प्राणों की सौगंध दी है और मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तुम्हारी सौगंध ना तोड़ूंगा, अवश्य खा लूंगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वैदेही, मैंने तुम्हारे प्रति पति का धर्म नहीं निभाया, दूसरे स्त्रियों के साथ नाता जुड़ा रखा और तुम अपनी जान पर। क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं, वो सपना थी। दुख तो इस बात का है कि मैंने ऐसे कपूत को जन्म दिया, कोख में ही क्यों नहीं मर गया वो? मत कोसो अपने भाग्य को, स्थिर रहो। सुख आए कि दुख आए, दोनों को साम्यक दृष्टि से देखो। दुख की अनुभूति नहीं होगी। बुद्ध के बताए मार्ग के कारण मैं इस कारागृह में भी सुखी हूं। कितनी शांति रही है, यहां ध्यान सहज लग जाता है। यह अवसर जीवन के अंतिम चरण में मिला, मैंने मोह लोभ सब छोड़कर स्वयं को पा लिया है। देवी, जितनी सांसें बची है मैं बस बुद्ध के बताए मार्ग पे चल सदगति पालूंगा। अरे इतने हट्टे कट्टे हो, एक बैलगाड़ी को भरने में इतना समय व्यय कर रहे हो, जल्दी करो। भिक्षाम देही। भिक्षा? भाई आप ये भिक्षा क्यों मांगते हैं? स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, खुद खेत जोत के अपने लिए अनाज क्यों नहीं पैदा करते? मैं भी तुम्हारी तरह किसान ही तो हूं, मैं भी खेत जोतता हूं और उसी की उपज को ग्रहण करता हूं। अच्छा हमें समझाइए कैसे? मेरा अपना जीवन मेरा खेत है, उसे मैंने अपनी साधना और एकाग्रता से सींचा है और परम ज्ञान प्राप्त किया है। यही मेरी खेती की उपज है और मेरा धान्य रूपी फल मैं जन जन में बांट रहा हूं। इस फल को खाने से क्या प्राप्त होता है महात्मा? उसे खाने से मनुष्य अपने दुखों से मुक्त होगा, परम ज्ञान को प्राप्त होगा, निर्वाण को प्राप्त होगा। आपका नाम? साक्य मुनि बुद्ध। आप वही संबोधि प्राप्त महात्मा तो नहीं? आग लगी, अरे घर में आग लग गई, बच्चा घर में अकेला है, तुम्हारा पुत्र गोपाल। गोपाल, 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 मेरे बच्चे को बचाओ, गोपाल, मेरे बच्चे, अरे, अरे,
और कोई मार्ग है? उधर उधर कोने में एक खिड़की है, ये खिड़की, लेकिन इस खिड़की में से कोई बड़ा आदमी अंदर नहीं जा सकता। पर बालक तो यहाँ से बाहर आ सकता है। जाओ, जल्दी जल्दी बचाओ मेरे बच्चे को, जल्दी। गोपाल, गोपाल बाहर आ जा बेटा, आ जा बेटा, आ जा, आग लगी है। गोपाल, गोपाल देखो तुम्हारे पिता मेले से कितने सारे खिलौने लाए हैं, और ये मिट्टी की बैलगाड़ी तो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें मिट्टी की बैलगाड़ी दूंगा, आओ। हाँ तुमने बुद्ध को अपशब्द कहे थे, पर उन्होंने तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय तुम्हारे पुत्र को तुम्हें लौटा दिया। अब क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए कुर्ते। अब मुझे आज्ञा दें। आपने इस बच्चे को जीवन दान दिया है महात्मा। आपका ये उपकार मैं अपने प्राण देकर भी नहीं चुका पाऊंगा। आप साक्षात ईश्वर बनकर हमारे जीवन में आए, आपकी करुणा ना होती तो आज। यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। महात्मा हमें समझाएंगे। सुदत्त, मैं वासना, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ से चलते घरों से लोगों को बाहर निकालता हूं। ये अग्नि जीवन को जला देती है। न जाने कितने लोग इस अग्नि की भेंट चढ़ चुके हैं। जैसे मैंने गोपाल को पुकारा, वैसे ही मैं सबको पुकारता हूं। उनके मन के द्वार इस अग्नि के ज्वर से बंद है, परंतु उनकी चेतना की एक छोटी खिड़की खुली है। गोपाल की तरह जो भी मेरी वाणी को सुन अपना पहला पग बढ़ाता है, उसे मैं इस अग्नि से सुरक्षित बाहर खींच लेता हूं, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाता हूं। और इसी तरह उनका पुनः जन्म होता है, जैसे कि मेरे गोपाल का हुआ। और कोई जिज्ञासा है? मेरी प्रार्थना है आपसे, मैं श्रावस्ती का वैश्य सुदत्त हूं, मेरी विनती है कि आप श्रावस्ती आए और वहां अपने संघ की स्थापना कर वहां के जन जन को मुक्ति के मार्ग का ज्ञान दें। मैं अवश्य आऊंगा सुदत्त, परंतु मेरे साथ मेरे भिक्षु भी होंगे। बुद्ध, जब आप मगध में थे तो सुना महाराज बिंबिसार ने वेणुवन आपको भेंट दिया था। कपिलवस्तु में आपके पिता महाराज शुद्धोदन ने निग्रोध वन में आपके संघ का आयोजन किया। एक ऐसा अवसर मुझे भी दे बुद्ध। मैं श्रावस्ती अवश्य आऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। शुभ आत्माएं उजाले की ओर बढ़ रही हैं। हाँ गुरुदेव, हम अपने प्रिय बुद्ध के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने आए। नंद और राहुल कहाँ हैं? सभी भिक्षु भिक्षाटन के लिए गए, बुद्ध भी गए। युवराज, युवराज वाली, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आए? जब आप तीनों मुझे गठरी देकर गए तो मेरे मन में आया कि मैं देखूं कि इसमें क्या है, और मैंने देखा तो इसमें बहुमूल्य आभूषण थे। ये आभूषण हमने तुम्हें स्वेच्छा से दिए, हम भिक्षुक बनेंगे, ये सब हमारे लिए व्यर्थ है। वाली, तुमने
नाई का कार्य करके कपिलवस्तु में हमारी इतने सालों तक सेवा की, तो हमने सोचा कि जाने से पहले ये सारे आभूषण हम तुम्हें दे दें। ये आभूषण आपके आने वाले जीवन में आपकी सहायता करेंगे। वही तो मैंने भी सोचा। तुमने क्या सोचा? मैंने सोचा यदि कपिल वस्तु के युवराज रत्न और धन का त्याग कर बुद्ध की शरण में जा सकते हैं, तो मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास तो त्यागने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि बुद्ध के चरण में मुझे से निर्धन को स्थान मिल जाए तो उपाली, तुम भिक्षु कैसे बनोगे? तुम तो जाति से शूद्र हो। मेरे संग में ना जाति भेद है ना ही वर्ण भेद। मैं सर्वप्रथम दीक्षा उपाली को दूंगा। उपाली, सन्यास के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, परंतु तुम्हारा त्याग सर्वोत्तम है। युवराज, धन, ऐश्वर्य, आभूषण सब कुछ त्याग कर आए, क्योंकि वो इनका सुख भोग चुके हैं, इसीलिए त्याग सके। पर तुम, जिसने सदैव धन का अभाव देखा, सारा जीवन संकट में काटा, जब तुम्हें यह ज्ञात हुआ कि युवराज तुम्हें गहने देकर गए हैं, तो तुम्हारा मन डिग सकता था, तुम्हारा लालच उसे दबोच सकता था, पर तुमने बिना विचार किए उन आभूषणों को त्याग दिया और मेरी शरण में आए। तुम्हारे त्याग ने माया के जाल को क्षण भर में काट दिया। तुम मुक्ति के मार्ग पर बहुत आगे जाओगे उपाधि। मित्र, आज बड़ा ही आनंद आया, किंतु एक बात है जो बार बार खटक रही है। कौन सी बात? जिसके कारण ये सारा उपद्रव हुआ, वो तो साफ बच गया। मेरे विचार से सबसे पहले उसे मार देना चाहिए। किसकी बात कर रहे हो तुम? सिद्धार्थ की। मित्र, तुम्हें ये कष्ट कभी ना देता, किंतु जब जब मैंने उसे मारना चाहा, तब हर बार उसके भाग्य ने उसे मुझसे बचा लिया। वो मेरे ही कारण तो संन्यास की राह पे चल पड़ा है। कुमार देवदत्त, ये बात आपने हमारे सामने कह दी, परंतु ये बात बाहर मत कीजिएगा। बुद्ध की हत्या का षड्यंत्र भी किया तो समूचे मगध में हम सबको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हाँ महाराज, कुलगुरु सत्य कह रहे हैं। आपने महाराज बिम्बिसार को कारागृह में डाल दिया, प्रजा फिर भी शांत है, परंतु कब तक? हमें यह नहीं भूलना चाहिए, महाराज बिम्बिसार के विश्वसनीय अब भी हमारे चारों ओर। आपके अभिषेक के विरुद्ध जितनों ने खुलकर विरोध किया, उन्हें तो हमने कालकोठरी में डाल दिया। और जो बच गए वो केवल एक अफसर की ताक में होंगे, और यदि वो किसी समय संगठित हो गए तो ढूंढ ढूंढ के मारिए उन्हें महाराज, ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि यदि कल आप युद्ध पे गए और वापस लौटने पर मगध के किले के द्वार आपके लिए ही बंद कर दिए गए, और महाराज बिम्बिसार स्वयं मगध के सिंहासन पर विराजमान हो गए, तो क्यों ना इस रोग को
जड़ से ही काट के फेंक दिया जाए। महाराज, महाराज खुद तुम, महाराज हमें आपकी आज्ञा चाहिए। आज रात्रि को आपके विश्वसनीय सैनिक कारागृह पर आक्रमण करके आपको छुड़ा लेंगे। बस हमें आपके संकेत की प्रतीक्षा है महाराज। कितने सैनिक हो तुम? 150 या 200 के लगभग महाराज। मैं तुम्हारा शासक ही नहीं, पिता भी हूं। मैं इतने सारे जीवन को व्यर्थ बलिदान नहीं दे सकता। 200 सैनिक अजात शत्रु की सेना से टक्कर नहीं ले सकेंगे। वो मेरी हत्या तो करेगा ही, किंतु वो तुम्हें भी चुन चुन के मारेगा। अजात शत्रु रक्त का अत्यधिक प्यासा है। वो तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ेगा। परंतु युवराज अजात शत्रु आपका वध करना चाहते हैं महाराज। अपने महाराज की आज्ञा का पालन करोगे? जी महाराज। अपने जीवन को यूं व्यर्थ बलिदान ना करो। मेरी आत्मा को अत्यंत शांति प्राप्त होगी यदि तुम मेरे प्यारे मगध की सेवा करोगे। तुम अजात शत्रु सत्ता का लोभी अवश्य है, पर मगध की प्रजा की देखभाल करेगा। अब तुम अपने प्राण अधिक संकट में न डालो। जाओ यहां से। आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। ये तुम्हारे महाराज बिंबिसार का आदेश है। गुड, तुम मुझे अपनी कटार दोगे? महाराज आत्मरक्षा के लिए इतनी सी कटार उपयुक्त नहीं। आत्मरक्षा हेतु इस कटार से मैं अजात शत्रु को पितृ हत्या के पाप से सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। मैंने आदेश दिया था कि कोई भी महाराज को भोजन नहीं देगा, किंतु आपने कई बार मेरे आदेश की अवहेलना की और छुपते छुपाते महाराज को भोजन दिया। दूंगी, हर बार भोजन दूंगी उन्हें और हर बार अवहेलना करूंगी। क्या करोगे? हत्या करोगे तो कर दो। देखो मेरी आंखों में, तुम जब मेरी कोख में थे ना, मुझे तुम्हारे पिता का रक्त पीने की इच्छा हुई। उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा, तुरंत अपनी हथेली काट दी और मेरे रक्त पीने की इच्छा को पूरा किया। उसी पल हमारे ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि होने वाला शिशु अपने ही पिता का वध कर देगा। मुझे ये बात पता चली, मैंने तुम्हें गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारे पिता ही थे जिन्होंने मुझे रोक दिया। जब तुम्हारा जन्म हुआ ना, मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ये जानते हुए ही कि तुम ही उनका वध करने वाले हो, उन्होंने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा, इतना बड़ा किया, और तुमने सिंहासन की वासना के लिए उन्हें अपने राज्य में ही बंदी बना लिया। निर्मम अत्याचार कर रहे हो उन पर। लोग तो अपने मृत्यु प्राप्त पिता को पितृ तर्पण करते हैं, लेकिन एक मेरी निर्लज संतान जिसने अपने ही पिता को जीते जी मार दिया। दूंगी, हर दिन उन्हें भोजन अवश्य दूंगी। जो कर सकते हो कर लो। माँ,
कदाचित तुम्हारे भाग्य में भी और जीना लिखा है, या फिर मेरा भाग्य अधिक बलशाली है कि उसमें तुम्हारी हत्या नहीं लिखी। कल रात्रि महाराज ने स्वयं को कटार मार आत्महत्या कर ली। एक नगर वधू महाराज ने पत्नी का दर्जा दिया, हमारे पुत्र जीवक को पिता और उनकी अपनी संतान नहीं। महाराज बिंबिसार ने अपना जीवन सचेत अवस्था में जिया। जो भी मनुष्य अपने जीवन को ध्यान पूर्वक जीता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। आम्रपाली, नहीं था भय महाराज को, पर मेरे हृदय में अजात शत्रु के लिए जो घृणा भरी हुई है। घृणा से घृणा मिटाई नहीं जा सकती, घृणा प्रेम से मिटती है, और यही प्रकृति का अटल सिद्धांत है। तो मुझे मार्ग दिखाइए बुद्ध। जो समय बीत गया उसमें मत उलझे रहो, और ना ही आने वाले समय के स्वप्नों को देखो। इसी क्षण में स्वयं को केंद्रित करो। जो असहनीय वेदना है तुम्हें उससे मुक्ति मिलेगी। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती, घृणा मिटती है केवल प्रेम से, और ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है।